ओह क्या बात है, जल्दी आके बैठ गया आज। आ जा चल, नहीं तो इसके घर पे जाना पड़ता है बुलाने के लिए। आज जल्दी आके बैठा भाई। चल ना भाई, किसकी राह देख रहा है? स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है भाइयों का भाई सुमित भाई। तो अभी आप सोच रहे कि भाई ये भाई प्लेटफॉर्म पे स्वागत है आप सभी का बोल के डायरेक्ट सीधा ये कहाँ होटल में आ गया। तो क्या प्लान बना नहीं था कुछ, सुमित भाई ने बोल दिया कि चलो जाते हैं रसराज होटल में, वहाँ पे कुछ स्पेशल डिशेस है और बहुत ही अच्छे, और इसने खाए हुए है तो ठीक है, बोला चलो जाते हैं। तो रसराज होटल में आया हूँ मैं और यहाँ पे डिश मंगाया गया है। तो हमने दो ऑर्डर किया है, एक पनीर साटे और एक चीज़ पकौड़ा। ये सब मेरे लिए नया नाम है क्योंकि मैंने कभी खाया नहीं ये सब चीज़ें। ये खाते रहता है होटल में, इसको सब पता है। अभी यहाँ पे मेरे साथ रहेगा तो सारी चीज़ें सीख जाएगा। एक बात है, मैं जो है ना वो क्लियर बोलता हूँ, कैमरे के सामने कोई चीज़ छुपाता नहीं हूँ, और ये भी क्लियर बनता है ये, पर कुछ ज़्यादा ही क्लियर है। तो मैं फर्स्ट टाइम जो होटल में गया था वो विवाह होटल में गया था, और भाई पकड़ के जबरदस्त लेके गया था इसकी बर्थडे की पार्टी देने के लिए मुझे। और वहाँ पे जाने के बाद फिर मैं मतलब होटल जाते जाते अभी इधर आ गया हूँ। मतलब बहुत सारे होटल हो गए हैं, ये सब देखे नहीं थे, बस खाली सुने थे, पर अभी हम लोग जाने लगे हैं। और अभी और भी होटल है जो बोईसर में है, वहाँ पे भी हम जाने वाले और एक्सप्लोर करेंगे कौन सी डिशेस ज़्यादा फेमस है और उसका स्वाद क्या है, हमारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। और हाँ, इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है सुमित भाई करके, अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैं स्टोरी डालते रहता हूँ, और उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, तो जाके चेकआउट कर लीजिए और तुरंत फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे स्टोरी मिलती रहती है। अभी जहाँ पे आया हूँ वो भी स्टोरी मैंने इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी डाल चुका हूँ, तो ज़रा फॉलो कर लीजिए। तो पनीर साठे हमारा आ गया यहाँ पे, और अभी इसको टेस्ट करते हैं और कैसा स्वाद है वो आपको बताते हैं। और इसका जो डिज़ाइन है ना बहुत ही लाजवाब है, आप देख सकते हो यहाँ पे एक टमाटर अच्छे से शेप दिया हुआ है, और इसके अंदर मोमबत्ती है और थोड़े टाइम में बंद होने वाली है, तो यहाँ पे रखा हुआ है। और भाई टेस्ट करो ज़रा, क्या नाम है इसका? पनीर साठे। पनीर साठे नाम बोल दिया था बार बार। तो ये टेस्ट बहुत ही अच्छा है, मुझे पसंद आया और खा रहा है। यहाँ पे हम लोग दो डिश मंगा रहे थे, चीज़ पकौड़ा और पनीर साठे। तो हम लोग ने पहले मंगाया पनीर साठे, क्योंकि मेरा हो गया फिनिश है और ये भाई अभी तक खा ही रहा है, तो इसका हर टाइम का ऐसा ही है। तो सोडा पीने जाते तभी भी इसका लेट होता है, खाने का टाइम भी इसका है ना आधे घंटे का रहता है, मेरा 10 मिनट में मेरा पूरा हो जाता है। तो खा रहा है, मज़ा ले रहा है उसका। और चीज़ पकौड़ा इसके लिए नहीं मंगाया क्योंकि भाई ऑलरेडी हम दोनों घर पर खाना खा के आए हुए हैं, तो एक में पेट भर गया। और अभी हम लोग ने मंगाया मसाला छाछ, और थोड़ा नज़ारा देख लीजिए होटल का भी। सुमित ले छाछ ले, पेट में जगह ही नहीं यार, क्या करें अभी, जगह करा यार, लिक्विड है, लिक्विड कहीं भी जगह कर लेता है, एडजस्ट में भी जाना है यार। जॉब पे भी जाना, अरे जॉब पे जाना उससे क्या हुआ, रात को खाया हुआ सुबह निकल जाता है यार। पीले पीले बटर कैसा है? अच्छा है, मसाला छाछ अंदर ठंडा जा रही है और जगह बना रही है, जगह में जगह बन रही है ना, तो लिक्विड लिक्विड जगह बनाती है। कैसा लगा?
क्या और एक ट्रिप लेगा? नहीं 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 मेरे पेट में जगह जितनी थी उसके लिए ये काफ़ी है, और इसके बाद अच्छी सी नींद आई क्योंकि ये छाछ ठंडी है और मसाले वाली है, तो मेरे को नींद अच्छी लगेगी ऐसा मुझे लग रहा है। तो विदाउट बेस्ट टाइम घटाघट पी लेता हूँ। अरे पूरा नहीं पिया, आधा ही पिया, मशीन थोड़ी है। तो रात के 11 बजे हुए हैं और हम लोग आए थे कुछ 10 बजे, एक घंटे में हम लोग ने पनीर साटे खाया हुआ है। और भी डिशेस हैं यहाँ पे जो ज़्यादा फेमस है और लोग मंगवाते हैं उसको, तो वो भी हम टेस्ट करेंगे, बट आज नहीं, उसको नेक्स्ट व्लॉग में कैप्चर करेंगे और आपको बताएंगे। और यहाँ पे आना जाना रहेगा, तो आइए फिर कभी कभी यहाँ पे होटल में खाना खाने। और कभी कभी नहीं हो जाइए, मर जाएगा। तो क्या बताओ यार, वो छोटा सा हुआ पर ठीक है ना यार, अभी कुछ बस बता, नेक्स्ट ब्लॉग आएगा तब उसमें बता देना, तब बताएंगे, होटल के ओनर से भी मिलाएंगे। तो बस आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं हम रसराज होटल में, और ऐसे ही देखते रहिए सुनीता को, प्यार बढ़ाते रहिए अपना, तब तक के लिए गुड बाय। स्वागत है मेरे इस बोला।